then subscribe to the channel Beautiful UFO or bell icon पर click करना मत भूलना क्योंकि इस पर click करने से आपको notification आती है. Thank you. कॉलेज हॉस्टल जाने वाली लड़कियां अक्सर कमेंट करके पूछती हैं कि हम एक अच्छा फेस वॉश कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा फेस वॉश हमारे स्किन के लिए कौन सा है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये अच्छा और नेचुरल फेस वॉश आप घर पर ही बना सकती हो आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसा फेस वॉश जो आपकी सभी स्किन टाइप को सूट करेगा और आपके चेहरे से पिंपल्स, उनके निशान, इन सभी चीज़ों को हटाकर आपको ग्लोइंग स्किन देगा. तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं. अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना. हमारा पहला इंग्रेडिएंट है नेचुरल एलोवेरा जेल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हनी. इन दोनों चीज़ों को मैं डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल रही हूँ ताकि इजीली मेरा पैक बनकर या फेस वॉश बनकर रेडी हो जाए. थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नीम लीव्स पाउडर. इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डालना है और 1-2 बार चलाने के बाद आपका जो फेस वॉश है होममेड वो रेडी है. शायद कुछ लड़कियों को यकीन ना आए लेकिन आप एक बार बनाकर 2 से 3 दिन इसको ट्राई करके देखिए. ना कि सिर्फ आपकी स्किन से पिंपल्स की प्रॉब्लम जाती रहेगी, दिन पे दिन आप जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे आप अपनी स्किन से देख सकते हो पिंपल्स रिमूव हो रहे हैं और दूसरा आपकी स्किन शाइनी और ग्लोइंग होने लगेगी. अगर आपकी स्किन चमक जा चुकी है तो आप फेस वॉश को भूल कर दिन में 2 से 3 बार इससे अपने चेहरे को वॉश कीजिए. वॉश करने के बाद सिंपल वाटर से वॉश करना है, कोई भी सोप या फिर फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी स्किन पे सच में कोई इन्फेक्शन या पिम्पल्स हैं. और आप देख सकते हैं कि इन जस्ट 1 वीक के आपके चेहरे से पिम्पल्स रिमूव होकर आप पा सकती हैं ग्लोइंग और क्रिस्टल क्लियर स्किन. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.